morning. So this is our day two and today we are going to very different places. Actually kai sari jagah hai. Ek hai Moonland aur monasteries hai, Alchi Monastery hai aur kafi sari cheeze milengi. In between I'll let you know all those things. मम्मी से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है. अरे कल भी हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और आज भी बहुत ही ज़्यादा लग रहा है एंजॉय होने वाला है. एंड वी आर मैचिंग अगेन. सास बहू की जोड़ी. yes. तो यहाँ के मौसम के बारे में बताऊँ तो सुबह एंड रात को इन ले इट इज़ अ बिट मतलब बहुत ठंड जैसा रहता है और यहाँ पे रूम्स वैसे फैंस एसी ये सब नहीं देते ऑफकोर्स. और एज सच ले में इतनी ठंड नहीं है, दोपहर में तो बिल्कुल नहीं लगती है. बट एज वील गो टूवर्ड्स नूबरा एंड पैंगोंग तो वहाँ पे ठंड बढ़ेगी. सो इफ़ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप यू शुड कीप सम विंटर वेयर. तो ये रहा यहाँ पे होटल और आपको तो पता है कि हिली एरियाज में एप्पल कितने अच्छे होते हैं. सो यहाँ पे खूब सारे एप्पल के ट्रीज हैं एंड काफ़ी सारा प्लांटेशन करा है. सबसे अच्छा तो मुझे यही लगा होटल के लिए सीरीज ऑफ कैबेज डालिया एंड काफ़ी सारे आई डोंट नो द नेम्स. सो ओवर देयर ऑन द टॉप वहाँ पे हमारा सेकंड फ्लोर पे रूम है. वी हैव टू रूम्स ओवर देयर. रूम्स आर गुड स्पेशियस इवन द बाथरूम इज नाइस and breakfast and dinner is included for us. They serve both veg and non-veg. ये सामने इस आर कार और सामने मैं भी हूँ. तो बताइए कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम आज. आज हम लोग जा रहे हैं Moonland और बाकी बहुत सारी मोनेस्ट्री है जाएंगे. आप देखिए वीडियो पर सेम आंसर मैंने दिया. आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स नेम्स हैं. ये देखिए आप, ये है सिंधु नदी और ये है संस्कार नदी और ये बन रहा है इसका संगम. और ये जो रिवर गई है आगे वो पाकिस्तान की तरफ जा रही है. सच एन अमेजिंग प्लेस मैन, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है. और अभी हम लोग नीचे भी जाने वाले हैं, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग भी होती है. सो रिवर राफ्टिंग शायद बंद है, चेक करेंगे. अगर रिवर राफ्टिंग होती तो ज़रूर हम लोग वो भी ट्राई करने वाले हैं आज. Thank you.
ये रिवर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम साथ साथ चलती रहेगी। एंड मतलब ये रास्ता इतना अच्छा है कि 3 से 4 घंटा कब निकल जा रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। See that bridge. मैं वही उनसे पूछ रहे वहाँ जा सकते हैं क्या? हाँ तो जा बोल सकते। रहे हैं लेकिन कैसे जाएंगे वहाँ? ये है ना वो रास्ता खतरनाक बहुत देर है। तो भैया वो गाड़ी नहीं क्या आएंगे यहाँ? गाड़ी नहीं, हम पैदल जाना पड़ेगा। गोइंग टू दैट ब्रिज और ये ब्रिज जोड़ता है उस एंड पे, वहाँ पे गांव है यहाँ पे एंड सिंधु रिवर। और देखिए कितना डेंजरस एरिया है, संभल के जाइए। जस्ट फॉर गिविंग यू अ व्यू फ्रॉम देयर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और वहाँ फोटोशूट्स भी करेंगे, इस ब्रिज पे जाएंगे। क्यों आकांक्षा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्त है ना? ऐसा लग रहा है ना किसी फिल्म की शूटिंग में आए। और द बेस्ट पार्ट इज दिस। ओ हिल रहा है, डरना नहीं, स्विंगिंग है, बहुत स्ट्रांग भी है, डोंट वरी। या नहीं तो मस्त मजा आएगा यार, यार स्विमिंग करने में कितना मस्त लग रहा है यार, देखो कितना, ये देखिए कितना तेज बहाव है यहाँ पे। यही रास्ता आपको लेके जाती है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर इज अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। तो किसी को प्लान करना है कि दोनों ट्रिप करनी है, लेह लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का, तो इस रूट के थ्रू आप श्रीनगर भी जा सकते हैं। तो रोड ट्रिप आप प्लान कर सकते हैं फ्रॉम लेह टू श्रीनगर एंड रोड्स आर गुड। की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये लगता है कि बहुत ठंडा एरिया है, बहुत ठंड होगी, तो सारे वुलन क्लॉथ, हाँ वो तो है, बट अभी लास्ट 10 सालों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शूट हुआ है एंड बहुत गर्मी है यहाँ पे एंड हमें एसी चलाना पड़ रहा है। कैन यू इमेजिन, ले में हमें एसी चलाना पड़ रहा है एंड टेम्परेचर इज अराउंड 26 to 27 degrees राइट नाउ। सन एकदम सर पे है, बहुत ज़्यादा धूप है।
मुन्ना एंड ले से कुछ 80 किलोमीटर्स, एक्चुअली 80 भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही है, 100 किलोमीटर्स जैसा है, बट इट इज़ वर्थ टू कम हियर. यू कैन सी द व्यू, मतलब नॉर्मल पहाड़ों जैसा नहीं है, बहुत डिफरेंट से लैंडस्केप है यहाँ पे, है ना. जैसे आप देख रहे हैं ऐसे मून में रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेडोज, डिफरेंट डिफरेंट, है ना, बहुत अच्छा सा यहाँ का टोपोग्राफी है. सो इट्स ब्यूटिफुल एक्चुअली. I'll show you. But अच्छा है वहाँ से व्यू ज़्यादा. Now everyone knows कि क्यों इसका नाम मून लैंड रखा है, देख के आपको पता चल जाएगा. एंड इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ क्रिएटेड बाय ड्राइंग ऑफ ह्यूज लेक्स. पिक एनी गुड स्पॉट एंड यहाँ पे थोड़ा टाइम दीजिए, रुकिए एंड खूब ढेर सारी फोटोज क्लिक करें. लद्दाख की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ कुछ भी ऐसा मैन मेड नहीं है, बहुत सुंदर सा या नेचुरल सा व्यू है. और मैन मेड तो हमें हर बिग सिटीज में मिल जाता है. हाँ करेक्ट, यहाँ पे आप फोटोशूट या वीडियोग्राफी के लिए ज़रूर आइए एंड यू विल गेट अ नाइस नाइस पिक्चर्स. एंड वीडियो के एंड में आप देखेंगे हमने कुछ क्लिक्स डाले हुए हैं. एंड अभी इसको आप लोग को दिखाते हैं मून लैंड थोड़ा सा और पास करके. सी इट्स लाइक अ मून ओनली. This full view of moon land, so you can just imagine कितना सुंदर है यार, really थोड़ी इजिप्ट जैसी फीलिंग आती है. No need to go Egypt man, first you come in moon land of Leh Ladakh. We are heading back और अभी रास्ते में हमें मिलेगा संगम जो कि मैंने अभी दिखाया था, वो नीचे से जाएंगे और बाकी चीज़ें. ले मारू मोनेस्ट्री मैंने स्किप कर दिया क्योंकि लेट हो रहा था. तो अभी जो हमने ऊपर से देखा था संगम पॉइंट, तो ये वही है. हम ठीक आपको यहाँ से नीचे से दिखा रहे हैं, तो ये सिंधु रिवर आ रहा है, मुज़फ्फरनगर आ रहा है, ठीक है. और यहाँ पे दिस इज द संगम ऑफ बोथ रिवर्स एंड वे ओवर देयर गोज टू पाकिस्तान. पाकिस्तान चलना है क्या? जब यहाँ तक आए तो पाकिस्तान में घूम के आ जाते हैं. लद्दाख काफी है. अरे यार पाकिस्तान घूमो यार, वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं. क्या बात कर रही हो, रास्ते रास्ते में तो बंदूकें दिख जाएगी और क्या चाहिए. शूटिंग वूटिंग तो सीख के आ ही जाओगी वहाँ पे, क्या बोलती हो? ये जरूर नोटिस करिएगा, आई शो जूम एंड शो, कि वो जो जंस्कार का जो फ्लो है वो ऐसा जा रहा है, उसका कलर एकदम डिफरेंट है. और ये सिंधु का कलर एकदम ऐसे ग्रीनिश टाइप का है, है ना, क्योंकि ये एक्चुअली स्टिल है. और उसका आई थिंक एयर फ्लो की वजह से, आई डोंट नो द रियल रीजन, मे बी दैट रिवर इज फीमेल एंड दैट इज मेल, दो थोड़ा सा वो दबदबा बना हुआ है इसका. आ हा हा, ये सही रीजन दिया है. क्या बताना चाह रहे हैं? दबदबा तो, इधर इधर भी फिर बनना चाहिए. नहीं नहीं इधर बनना चाहिए. ऐसा हो जाए तो भगवान धन्यवाद करूंगा मैं आपका. बट लुक्स लाइक, मतलब एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, बट लग रहा है ऐसा दबदबा उसका बना हुआ है. दैट इज मेल, आई थिंक फीमेल. देख रहा तीसरा पानी, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर राफ्टिंग पॉइंट, 8, 12, 16 किलोमीटर्स का है यहाँ पे. ये है रैप्स. हम थोड़ा सा और पास आ गए हैं, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा वो पानी का डिफरेंस और ये पानी का डिफरेंस. यार क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है पानी का, उस पानी का डिफरेंस. मैं तो अभी भी कहता हूँ दबदबा है. Those who agree, please tell me in comment section. So, अभी हम लोग वहाँ से वहाँ पे खड़े थे और अभी नीचे आ गए. यहाँ से और अच्छा क्लोज जाके अपना यहाँ पैर डाल के बैठ सकते हैं. मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है
और पानी का फ्लो इतना अच्छा है, बहुत ही सूदिंग एनवायरनमेंट है यार, मस्त लग रहा है यहाँ पे, पीसफुल है। द मैग्नेटिक हिल, एंड अभी हम आपको दिखाएंगे मैग्नेटिक हिल का जलवा। क्यों आकांक्षा? मैग्नेटिक हिल का जलवा इन लोगों को दिखा दें, क्या बोलती है? नाम ही नहीं है मैग्नेटिक, कुछ इफेक्ट है, कुछ पॉइंट, कुछ इफेक्ट है, फील मस्त है ना वो, और व्यू भी बहुत मस्त है। क्या सी ये ढलान है यहाँ से नीचे की तरफ रोड, बट मैग्नेटिक हिल है ये, जिसकी वजह से अपने आप पीछे जा रहा है, न्यूट्रल पे है गाड़ी और ये पीछे जा रही है गाड़ी, दैट इज़ समथिंग, मीन्स पहली बार मैंने ऐसा देखा है। और ये ढलांग है, रोड नीचे की तरफ गई हुई है और ये जा रहा है पीछे, है ना अमेजिंग। तो ये देखिए मैग्नेटिक हिल का इफेक्ट सभी जो गाड़ियां हैं वो ट्राई कर रही है और सबके साथ हो रहा है, न्यूट्रल पे रख रहे हैं गाड़ी और पीछे जा रही है। सी यहाँ पे इन्होंने गाड़ी रोक, सो सी अभी सब लोग यहाँ पे ऐसे करने वाले, गाड़ी रोक दी है न्यूट्रल पे और ये पीछे आ रही है, ढलांग नीचे की तरफ है, आगे जाना चाहिए पर ये पीछे जा रहा है। सो मैग्नेटिक हिल के बाद अब हम जाएंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। यहाँ की एक अनोखी कहानी है, गुरु नानक जी जब 1500 सेंचुरी में यहाँ पे आए थे तब लोगों ने बताया कि एक राक्षस है जो उनको परेशान करता है, जिसे सुन के गुरु नानक जी ने नदी के किनारे उन्होंने आसन लिया। ये देख के राक्षस गुस्सा हो गया और उसने हाइट से पत्थर फेंक दिया उन पे, उसको लगा कि ये पत्थर के अंदर वो दब के मर जाएंगे, बट वो पत्थर गुरु नानक जी को टच करते ही मोम में बदल गया। ये देख राक्षस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो गुरु नानक जी के चरणों में आ गया। ये गुरुद्वारा इंडियन आर्मी ने बनवाया और ये सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला होता है। दिस इज़ हॉल ऑफ फेम और ये हमने आज ही कवर किया है, बट मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा डिटेल में और दिखाऊँगा कैसे हमारे जवानों ने सुरक्षित रखा है हमें, सब कितनी सारी लड़ाइयाँ लड़ के और कितनी ऊँचाई पर जाके उन्होंने जंगें जीती हैं। So it's time to say goodbye. Thank you and please like, share और subscribe करना मत भूलिए. Thank you. Bye bye.